For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, welcome to Movies Adda. मैं हूं ज्योति और आज फिर मैं लेकर आ गई हूं बिग बॉस सीजन 12 की कल के एपिसोड की टॉप 5 हाइलाइट्स। वैसे अगर बात करी जाए बिग बॉस के इस बार के सीजन की तो अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी इतना ज्यादा पिस्ड ऑफ हैं कि ऐसा लग रहा है पता नहीं 3 महीने कैसे निकालने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1। सबसे बड़ा हाईलाइट कल बना घर में निर्मल और रोमिल का सबसे रूठना। यस, कहीं ना कहीं निर्मल और रोमिल बहुत ज्यादा एंग्री मोड में नजर आए सारे कंटेस्टेंट्स को लेकर, और क्यों, क्योंकि वो टारगेट बन गए सभी कंटेस्टेंट्स का जब बिग बॉस ने ये कहा कि काल कोठरी की सजा के लिए सभी घर वालों को मिलकर किसी एक जोड़ी को और किसी एक सिंगल को नॉमिनेट करना है। तो यहाँ प्रोसीजर पूरा हुआ भी नहीं था और छिड़ गई जंग। यस, जो कि हमेशा होता है बिग बॉस के घर में, जरूरत क्या है जंग छिड़ने की हर बात पे, लेकिन ये बिग बॉस का घर है और बिना जंग छिड़े लोग मानते नहीं है। तो जितने भी जोड़ियां थी, जितने भी कंटेस्टेंट्स थे, सबने रोमिल और निर्मल पर इल्जाम लगाया जिस तरह उन्होंने पानी फेंका। शुरुआत सिंगल्स ने की बोलने की, लेकिन जोड़ियों ने भी सिंगल्स का साथ देते हुए घर का विलन जो है वो रोमिल और निर्मल को चुना, और रोमिल और निर्मल दोनों ही, खास करके रोमिल, इस बात से साफ मुकरते नजर आए कि नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, और वो अपने स्टैंड पर खड़े रहे। अब वो आगे जाकर झुकते हैं इस बात के लिए, वो सॉरी कहते हैं जिस तरह उन्होंने गेम खेला, या फिर नहीं कहते, ये तो खैर नेक्स्ट एपिसोड यानी ये कल के एपिसोड में ही पता चल पाएगा। लेकिन जहां तक अगर मैं बात करूँ रोमिल और निर्मल की, तो वो अपने पॉइंट पर खड़े रहे और कहीं ना कहीं पूरा घर उनके अगेंस्ट नजर आया, जो कि एक बड़ा बहस का मुद्दा बन गया कल के एपिसोड पे। नंबर 2, श्रीसंत ने घर में मचा रखा है भागम भाग। पर ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज जब भी कुछ होता है वो भागने लग जाते हैं, जब भी कुछ होता है वो भागने लग जाते हैं। विकास गुप्ता के घर में आकर उनको समझाने के बावजूद भी शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि मेरे दोस्त, यहाँ पे भागना नहीं है, यहाँ पे आपको लड़ना है, सर्वाइव करना है और फिर जाकर आप विनर बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं, हर बात पर हार मानी है, और स्पेशली एक स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद हर बात पर उनका भागना, It doesn't look good। और कहीं ना कहीं श्रीसंत को डेफिनेटली अपना एंगर कंट्रोल करने की जरूरत है, बिकॉज उनकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो बात ही नहीं सुनते हैं। बात पे रिएक्ट करना, सुनकर रिएक्ट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वो बात सुनते ही नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए कि उन्हें सुनना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा और रहना भी पड़ेगा। नंबर 3, इतने लड़ाई झगड़े के बाद घर में एक चीज कल अच्छी देखने को मिली और वो थी जसलीन और अनूप जी का रोमांस। यस, कहीं ना कहीं जसलीन और अनूप जी को मुझे लगता है अभी बीच में बहुत दिन से उन्होंने दिखाना बंद कर दिया था, लग ही नहीं रहा था कि वो शायद एक जोड़ी है, लेकिन कल शायद अचानक जसलीन के अंदर प्यार जागा और उन्होंने अनूप जी को जाकर गाल पे और फोरहेड पे किस कर दिया। और सुबह के टाइम थोड़ा सा काफी लाइट हार्टेड इन्वायरमेंट था घर का, और जसलीन उन्हें किस करती नजर आई और अनूप जी भी थोड़ा मस्ती मजाक के मोड में नजर आए, और उन्होंने भी बड़े प्यार से वो फ्लर्ट बैक करे थे जसलीन के साथ। शायद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस उनके कपल को फेक ना समझे, हो सकता है ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है सिर्फ रियल कपल बन के दिखाने की, या फिर हो सकता है वो सच में एक रियल कपल है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज हूँ, लेकिन मेरी कंफ्यूजन से क्या होता है, जहाँ रोमांस चलना है वहां तो रोमांस चल ही रहा है। सो यस, कल का थर्ड हाईलाइट बना जसलीन और अनूप जी का रोमांस। नंबर 4, जसलीन दीपिका के बारे में बिचिंग करती नजर आई। यस, लेकिन यहाँ पे पीस मेकर का काम किया अनूप जी ने। जसलीन काफी ज्यादा जो समुद्र के लुटेरे जो टास्क था उसमें जसलीन और दीपिका के बीच में काफी ज्यादा मनमुटाव देखने को डेफिनेटली मिला था, जब जसलीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दीपिका को डायन से लेकर क्रूअल और रूड ये सारी बातें बोलने में। लेकिन जैसे ही कल का एपिसोड आया और दीपिका और जसलीन के बीच में सुलह कराने की ठानी अनूप जी ने, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी नेगेटिविटी है दीपिका की साइड से, हालांकि जसलीन बार बार फोकस करती नजर आई कि नहीं मुझे उनसे नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मुझे वो नेगेटिव लगती हैं, तो अनूप जी ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तुम जाकर पॉजिटिविटी में उसे कन्वर्ट कर दो। तो मुझे नहीं समझ में आया कि जसलीन ने किस तरीके से एफर्ट लिया,
हालांकि वो सिर्फ गई, वो अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो जेन्युइनली वो ऐसा लगा कि उन्हें मन नहीं है सब सॉर्ट आउट करने का, जस्ट बिकॉज कि उन्हें कैमरा पे अच्छा दिखना है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें अनुज जी ने कहा तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे जाकर हग करना है और सब पीस आउट करना है, कहते हैं ना हग इट आउट, तो उन्हें ये करना था तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो दिल से नहीं लगा कि जब दिल से लगती है तभी बात बनती है, लेकिन यहाँ पे शायद कुछ बात नहीं बनी और वो हग वेस्ट हो गया, लेकिन ठीक है जिसको करना था उसने कर लिया। नंबर 5, जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि घर में एंट्री होगी द मास्टरमाइंड विकास गुप्ता की, जो कि पिछले सीजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं और कहीं ना कहीं मेरे भी फेवरेट थे वो, हालांकि वो जीते नहीं, लेकिन फिर भी विकास गुप्ता की एंट्री होती है घर में और सभी कंटेस्टेंट्स को विकास ने आईना दिखा दिया, सभी कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाया और उन्हें ये बताया कि बाहर का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं, कोई भी कंटेस्टेंट सीधे डायरेक्शन में या फिर कोई भी कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग हेडेडली परफॉर्म करता नजर नहीं आ रहा है, एक आधे कंटेस्टेंट को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं तो विकास का यहाँ आना और सभी कंटेस्टेंट को रास्ता दिखाना, कहीं ना कहीं उनके जो फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री से, दीपिका हो गई या केवी हो गई या सृष्टि हो गई, उनको एक ओपिनियन देना कि आप प्लीज उभर कर सामने आइए और ये सेलिब्रिटी और कॉमनर्स के जोन से बाहर निकलिए, आपको हर किसी से बात करनी है और वहीं कॉमनर्स की तारीफ करना, उनको अप्रिशिएट करना जो कि अच्छे कॉमनर्स हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे वो उर्वशी हो या फिर सबा सोमी हो, सबा सोमी को भी काफी अप्रिशिएट करते विकास नजर आए, अप्रिशिएट एज इन कि वो एटलीस्ट परफॉर्म कर रही है शो में, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है अपने तरीके से ही सही, पर वो कर रही है, ओपिनियन दे रही है अपना, और कहीं ना कहीं वो दीपक को भी जरा समझाते नजर आए, शिवाशीष को वो कहते नजर आए विकास गुप्ता की यू नो फेक मत बनो, विच इज अ नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट, और कहीं ना कहीं अगर मैं सच में विकास गुप्ता की बात पर ध्यान दूं तो डेफिनेटली शिवाशीष जो है वो जब से घर में आए वो सिर्फ एक इसी अंदाज में वो रह रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो जबरदस्ती फाइट कर रहे हैं, उनकी फाइट का कोई बेस नहीं है, बिकॉज वो आज लड़ते हैं कल सॉर्ट आउट कर लेते हैं फिर कल लड़ लेते हैं फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता है उनकी लड़ाई का। आई होप कि विकास का घर में आना और सभी कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाना एटलीस्ट उनके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो ये समझने में कि बाहर उनका क्या पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है। सो खैर ये मेरा ओपिनियन था कल के एपिसोड पर, आप प्लीज मुझे अपना ओपिनियन बताएंगे, आप कंटेस्टेंट्स भी ओपिनियन दे रहे हैं, विकास गुप्ता भी ओपिनियन दे रहे हैं, मैं भी रिव्यू कर रही हूँ ओपिनियन दे रही हूँ, आप कब बोलोगे? तो आपको भी अपना ओपिनियन देना है, कैसे? कमेंट्स कर करके। सो प्लीज हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब भी करें एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।